हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर के आए हैं। रेलवे ALB परीक्षा जल्दबाजी में रिजल्ट दिया है फ्रेंड्स उन्होंने, और बहुत ज़्यादा गलती कर दी रिजल्ट में, जल्दबाजी में गलत रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया है। पार्ट बी में 90% बच्चों को उन्होंने फेल कर दिया है फ्रेंड्स। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। नाम का किया है नॉर्मलाइजेशन फ्रेंड्स, पार्ट बी में बोला जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, PCM में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है, और कुछ ट्रेड में हुआ है तो कुछ एक या दो बच्चों को छोड़ करके बिल्कुल ही नाम का ही नॉर्मलाइजेशन किया गया है। किसी को पॉइंटों में नंबर बढ़े हैं तो किसी के नंबर बढ़े ही नहीं हैं। किसी को पार्ट ए में 22 नंबर मिले हैं तो किसी के कम हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार रेलवे ऐसा क्यों करता है? इनका जो वेंटर है रेलवे का, वो TCS है, और TCS इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन बैंक के एग्ज़ाम में TCS ही कंडक्ट करवाता है। बैंक के एग्ज़ाम में कभी भी कोई घोटाला देखने को नहीं मिलता है, नहीं कभी जल्दबाजी में रिजल्ट आता है, एकदम स्टिक रिजल्ट आता है। लेकिन रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देख लो, उसमें हर बार ऐसी गड़बड़ी होती है फ्रेंड्स। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि रेलवे के अंदर ही घोटाला होता है या फिर नहीं होता, और आप इस रिजल्ट से संतुष्ट है या नहीं है, क्या इस रिजल्ट में भी आपको कोई गड़बड़ी लगती है या नहीं लगती फ्रेंड्स। क्या इस रिजल्ट में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ उन्होंने घोटाले वगैरह किए हों? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले उस बच्चे की मार्कशीट जिसके जो है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, इसको देखिएगा। वैलिड क्वेश्चन 100 वैलिड क्वेश्चन इसके 48 नंबर में थे, और प्रोरेटेड भी इसके 48.33 है। पार्ट ए की बात हो रही है फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इसकी 70 हो गए हैं, मतलब कि 22 से भी ज़्यादा नंबर इसके बढ़ाए गए हैं। 22 नंबर फ्रेंड्स, मैंने तो अभी तक मेरे जितने भी यार दोस्त उनके देखे नहीं है, और 48 वाले के 70 नंबर हुए, कौन सी ट्रेड से है कौन सी से नहीं फ्रेंड्स ये नहीं पता अभी तक, लेकिन इतने ज़्यादा नंबर इस बच्चे के बड़े हैं। और जो अच्छे पेपर कर करके आए, जिनकी एक्यूरेसी भी ठीक है, जिनके शिफ्ट भी हार्ड था, उनके मैंने देखे एक भी नंबर नहीं बढ़ाया गया है फ्रेंड्स। तो आप बताइएगा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट बी के अंदर तो बहुत बड़ी इन्होंने गड़बड़ी कर रखी है। जो रो मार्क्स है, टोटल क्वेश्चन और प्रोरेटेड मार्क्स है, वो सेम रख दिए गए हैं, सिर्फ एक नंबर बढ़ाया गया है फ्रेंड्स। और 35% चाहिए थे पार्ट बी के अंदर, लेकिन 75 में से 35% से नंबर ऊपर थे, लेकिन जो है 100 में से प्रोरेटेड किया इन्होंने, तो वहाँ पर इन्होंने फेल कर दिया है फ्रेंड्स। ये तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर तो जल्दबाजी की गई है, उनसे गलती हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी गलती का क्या जो सभी बच्चों के साथ कर दिया? आपको 23 मार्च को आप नोटिस जारी करते हो कि आपका रिजल्ट आएगा, और उसी दिन आप रिजल्ट दे देते हो अचानक से फ्रेंड्स, ये कैसे हो सकता है? रिजल्ट के बारे में उनको नोटिस 2 से 3 दिन पहले आपको देना चाहिए, और नोटिस देते ही रिजल्ट दे दिया फ्रेंड्स, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और रिजल्ट भी ऐसा दिया जिसमें कुछ भी, कोई भी बेस नहीं है, कोई भी आधार नहीं, जिनका बिल्कुल ही रॉन्ग रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया है। इन्होंने रिजल्ट में कुछ अलग तरीके का रिजल्ट भी अब की बार दिया है, जो आप देखते हो जब मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो, तो उसमें पूरी चीज़ें ऊपर लिखी हुई है, जिनका कोई मतलब ही नहीं बन रहा कि टोटल टाइम ड्यूरेशन इतना है, ये वो है ये वो। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप कमेंट कर करके रेलवे के बारे में बताइएगा कि क्या लगता है आपको, क्या रेलवे साफ सुथरी भर्ती कोई कर पाता है या नहीं कर पाता फ्रेंड्स, और ये भर्ती क्या साफ सुथरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। और ये आपका कोई भी डाउट हो तो वो ज़रूर पूछें, और आपको जो जो गड़बड़ी आपकी हुई है, जो जो आपके पेपर में कुछ ऐसा लगा है कि आपके साथ ये यहाँ पर गलती की है, तो वो कमेंट कर करके मुझे ईमेल कर दे फ्रेंड्स, या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर DOB जो है वो कमेंट कर करके मुझे बता दे फ्रेंड्स। थैंक यू अभी के लिए, मिलता हूँ जल्द ही आपको नई वीडियो के साथ।